बलि कुंभकर्ण भी गहरी नींद सो गया। क्या कहा, कुंभकर्ण मारा गया? बस बस, अब निसंदेह लंका के बुरे दिन आ गए, जो ऐसे ऐसे युद्ध भी काल के काल में समा गए। अफसोस, बढ़ती हुई विजय की पताका ही रुक गई, आशाओं की हरी भरी शाखा ही झुक गई। पिताश्री, चिंता की क्या बात है, आज देखोगे कि मैदान हमारे साथ है। अच्छा, तो जाओ और युद्ध में वो कौशल दिखाओ कि त्रिलोक ताही ना बोल जाए, भय के कारण शत्रुओं की छाती हिल जाए। ऐसा ही होगा, बजाओ हे वीरो, अब रण का बाजा बजाओ, एक और पड़ो विनाश की तलवार हाथ में, बढ़ती हुई विजय भी चले साथ साथ में। सबसे बड़ा बलवान था, उसको मार डालने वाला केवल आपका ही बाण था। महाराज की जय हो, आज लंका की ओर से फिर मेघनाथ रहने के लिए आ रहा है। तो आने दो, मेरा भी उत्साह बढ़ा जा रहा है। आज से युद्ध में तो मुझे ही जान दीजिए और मेघनाथ से अपना बदला स्वयं चुका दीजिए। भाई, वो राक्षस बड़ा है तो और पराक्रमी है तो बात ही क्या। मैं आपके चरण की सौगंध खाकर कहता हूं कि आज उसे अवश्य मारूंगा और शक्ति बाल का बदला बलि प्रकार का दूंगा। रघुकुल हार है मुझको धनुष और तीर की सौगंध, कसम माता सुमित्रा की मुझे वीर की सौगंध। ना चल जाओ, आप युद्ध में रचन का फटी जाती है। वासुकी नागराज की राजकुमारी को विधवा वेश में देखकर आत्मा महान क्लेश पाती है। बदला नहीं चाहिए, मेरे सिर का ताज, मेरे मन का देवता, मेरी कामनाओं का चित्र चला गया, अब मुझे उनके साथ विदा दीजिए। कृपा करके मेरे पति देव का सिर मंगा कर परलोक गमन की आज्ञा दीजिए। सुलोचना, तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हारे सामने मस्तकों के ढेर लगा दूंगा, एक के बदले में राम लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान नल नील विभीषण जामवल आदि सभी के सिर ला दूंगा। उड़ने लगेगी, देखना आकाश पर, सिर पे सिर देखोगी गिरते, लाश गिरती लाश पर। मुझे विनाश नहीं,
केवल अपने पति का सिर चाहिए। तो बच्ची है, नादान है, मेरे पुरुषार्थ को नहीं जानती है, रावण के बल और पराक्रम को नहीं पहचानती है। जा बैठ और मेरे कौशल का तमाशा देख। आपकी जय हो मंगलकारी, आपकी जय हो। कहो देवी, अपने आने का कारण कहो। महाराज, यह रावण की पुत्र वधु और मेघनाथ की सुलोचना है। मुझे पतिदेव की भुजा ने अपनी मृत्यु का समाचार लिखकर बता दिया है। मेरा सारा संदेह मिटा दिया है। अब मैं सती होना चाहती हूँ और स्वामी का सिर लेने के लिए आपकी शरण में आई हूँ। धन्य हो देवी, तुम सच्ची सती हो। सुग्रीव जी, विलंब ना कीजिए और देवी को इनके पति का सिर ला दीजिए। मेरे मन में एक महान शंका, यदि आज्ञा हो तो पूछ लो। हाँ, अब कैसे शांति करूं, किसके भरोसे पर धीरज धरूं। महाराज, अब सेना को कूच करने की आज्ञा दीजिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब तो लगता है उन तपस्वियों की मार मेरे ही हाथों लिखी है। सेनापति, सेना तैयार करो। जैसी आज्ञा महाराज। आज नरक का द्वार खोल दे। तू सावधान हो जा। पिशाची, तू रक्त चाटने वाला मुंह खोल। कालिका, तू मुन्नों की माला बना। सिर पे सिर कट कट गिरेंगे, लाश होगी लाश पर, रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पर। तो ये भेद है। अच्छा,
अब अपनी बाढ़ द्वारा इसको उनको ही सुखाता हूं और बंदरों तथा देवताओं का संहार नहीं करता। मुक्की ना करें, जो बिजली के पोल हैं इनसे थोड़ा दूर।